पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पास्का अवधि का समापन करती हुई पेंतेकोस्त का महोत्सव मनाती है। पेंतेकोस्त का तात्पर्य है 50वां दिन। इसराइलियों के लिए पेंतेकोस्त एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस महत्वपूर्ण पर्व पास्का पर्व के बाद 50 दिन के बाद होता है। सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर इसराइली लोग पेंतेकोस्त त्योहार मनाते हैं। इस पर्व के पीछे दो पक्ष हैं, एक धार्मिक पक्ष, दूसरा सामाजिक पक्ष। धार्मिक पक्ष है विधि विवरण ग्रंथ 9वां अध्याय और संख्या 10। वहां पर मूसा नबी सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के 10 आज्ञाएं प्राप्त कर लेते हैं। अतः इस्राएली लोग उसकी यादगारी में एक महापर्व की आयोजन किया। और सामाजिक पक्ष है कि इस्राएली लोग गेहूं का फसल काटने के बाद ईश्वर के सामने उपस्थित होते हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए। इसके चलते पेंतेकोस्त का त्योहार इसराइलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसलिए यहूदी लोग दूर दराज इलाके से यरूशलेम शहर आते हैं यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना बलिदान चढ़ाने के लिए। प्रभु यीशु इस महान पर्व के संदर्भ में अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को भेजते हैं। अंतिम प्यालु के समय प्रभु अपने शिष्यों से वादा किया। संत योहन का सुसमाचार 14वां अध्याय संख्या 16 और 26। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वह सत्य का आत्मा है। आगे पद 26 में हम पढ़ते हैं, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। और यह प्रतिज्ञा, प्रभु की प्रतिज्ञा पेंतेकोस्त त्योहार के दिन सच साबित होता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:4 और 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे यरूशलेम शहर छोड़कर न जावे, वे पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में यरूशलेम शहर में ही डटे रहे। और पेंतेकोस्त के दिन प्रभु उन पर पवित्र आत्मा को भेजते हैं। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए शिष्यगण मां मरियम की अगुवाई में प्रेरित चरित्र अध्याय 1:14 में हम पढ़ते थे, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। इस प्रकार प्रार्थना में प्रतीक्षा में शिष्यगण पवित्र आत्मा को स्वागत करने के लिए अपने हृदय को तैयार कर रहे थे। और वह दिन आया पेंतेकोस्त का दिन जब अचानक आसमान से एक गर्जन सुनाई पड़ा, मानो
भयंकर आंधी चल पड़ी है। साथ ही साथ शिष्यों के उस कमरे में आग जैसा दिखाई दिया और आग के लपटों जैसे जीव के आकृति में रूप में पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में उतरा। पवित्र आत्मा इस प्रकार शक्ति के साथ अपना प्राकट्य प्रकट करता है, यानी आंधी, आग और जीव के रूप में पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतरते हैं। हम जानते हैं आंधी में बहुत शक्ति है, हवा का भी एक प्रचंड रूप है आंधी। उसी प्रकार आग भी बहुत ही शक्तिशाली तत्व है, ऊर्जा का स्वरूप है, प्रकाश का और शुद्धता का स्वरूप है आग। और तीसरा तत्व है जीव। हम जानते हैं वाक शक्ति मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जिसके पास वाणी विलास है, वाक शक्ति है, वह समाज में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। जैसे हम इतिहास में हम देखते हैं, इस प्रकार प्रभु पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में बड़ी शक्ति के साथ उतर आते हैं। अतः हम देखते हैं शिष्यगण बड़े साहस के साथ, बड़े उत्साह के साथ यहूदिया में इकट्ठे सभी लोगों के बीच चले जाते हैं और पुनर्जीवित प्रभु यीशु के विषय में साक्षी देते हैं। संत पेत्रुस प्रेरित चरित्र अध्याय 2 प्रसंग 41 में हम देखते हैं पेत्रुस बड़े साहस के साथ यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर वहां उपस्थित सभी यहूदियों को संबोधित करते हुए पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में साक्षी देते थे। उनका साक्षी सुनकर उस पेंतेकोस्त के दिन कम से कम 3,000 लोग प्रभु यीशु में विश्वास किया और प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। इस प्रकार हम पवित्र आत्मा को बड़ी शक्ति के साथ शिष्यों के जीवन में उतरते हुए देखते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में कहते हुए संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 प्रसंग 8 से 10 तक, कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को आत्मा द्वारा विश्वास का वरदान मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने की शक्ति देते हैं और किसी को चमत्कार दिखाने की शक्ति मिलती है। इस प्रकार पवित्र आत्मा प्रारंभिक कलीसिया में बहुत ही शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। अनगिनत लोग प्रभु यीशु में विश्वास करने लगे, इसलिए पेंतेकोस्त के दिन को हम कलीसिया का जन्मदिन के रूप में मानते हैं। संत पौलुस पवित्र आत्मा के विषय में समझाते हुए गलातियों के नाम पत्र 5वां अध्याय 22वां पद में इस प्रकार हमसे कहते हैं, पवित्र आत्मा के आध्यात्मिक फल कितने हैं? पढ़ते हैं,
पवित्र आत्मा का फल इस प्रकार के प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारिता, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता एवं संयम, ये सब दैवी गुण है जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य समाज में बहुत ही महान गिना जाता है। आज जब हम पेंतेकोस्त का पर्व मनाते समय हम पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में स्वागत करें, जब पवित्र आत्मा हमारे क्रिस्तीय जीवन में मौजूद है तब वही आत्मा हमको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे और पिता परमेश्वर की संतान के रूप में अपना क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे। आमेन।